नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीप, जिसे हम कहते हैं घोंघा। गांव में तो घोंघा कहते हैं इसे, ये देख सकते हैं आप, इसे हम गांव में घोंघा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे सीप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से दिख रहा है दोनों साइड से। इसका हम सब्जी बनाएंगे, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिख रहा, बहुत ही अलग दिख रहा ये। मतलब ये पानी में पाया जाता है और इसे ज्यादा करके पानी वाला स्थान में ही मिलता है ये, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए, हमें कहीं से मिला है सीप ये, तो इसका हम आज सब्जी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सीप का सब्जी बनता है। तो आप देख सकते हैं इसे कितना अच्छा दिख रहा है ये, बहुत ही अच्छा है ये, और शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर इसे ये हमें मिले तो जरूर खाना चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसे कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है आप ये, और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा बनाने के बाद। तो एक बार अगर आपको मिल रहा अगर तो आप जरूर इसे बनाएं। तो ये देखिए, हम किस तरह से इसे फोड़ेंगे, इसको हम फोड़ लेंगे किसी पत्थर के सहारे या किसी भी चीज से, भारी चीज से। तो इसे हम फोड़ के इसको हम अलग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको अलग निकाल लेंगे, ये देखिए ये सीप हमारा निकल के रेडी हो गया। और इसका दो पार्ट होता है जो हम निकाल के रख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि एक पार्ट हम निकाल के रख दिए हैं, निकाल गया। देखिए दूसरा ये है, दिखाइए इसको, इस पार्ट को हम खा सकते हैं, और एक जो फायदेमंद, बहुत ही फायदेमंद है। तो ये देखिए, हम इस तरह से किसी पत्थर के सहारे से इस सीप को फोड़ लेंगे, और ये देखिए किस तरह से हम फोड़ रहे हैं, उसी तरह से आप भी फोड़ें। और ये जो हमारा पहला पार्ट निकल रहा है, ये भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। उसके पीछे से देखिएगा आप, एक और निकलेगा पार्ट जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। इसमें से दो पार्ट निकलता है, हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सा पार्ट खाने लायक होता है, कौन सा वेस्ट होता है हमारा। तो ये पार्ट होता है हमारा खाने लायक, और ये भी होता है, दो पार्ट है हमारे जो हाथों में, वो दोनों खाने लायक होते हैं, वो बाकी हमारा वेस्ट है। इसको इस तरह से हम सीप का अगला हिस्सा को हम निकाल लेंगे चाकू के सहारे, इस तरह से बिल्कुल हमारा सीप ये फूट के रेडी हो गया है। अब इसका हम सब्जी बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। हम इस सीप का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को निकाल रहे हैं, और बाकी अंदर से दो पार्ट निकल रहा खाने लायक, वो हम निकाल के इसमें रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सीप धुल के रेडी हो गया है दो पार्टों में, एक ये भी पार्ट खाने वाला होता है और ये भी, आप देख सकते हैं। एक चम्मच हम धनिया पाउडर लिए हैं मसाले में, और दो हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच में आधा चम्मच मिर्च लिए हैं, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, और आधी छोटी चम्मच लिए हैं काली मिर्च साबुत, एक इंच का हम दालचीनी लिए हैं, और जीरा लिए हैं एक चम्मच, और सरसों लिए हैं हम पीली सरसों दो बड़े चम्मच, और एक गांठ लहसुन छील कर लिए हैं कलियां, और आधी इंच का अदरक लिए हैं, और एक दो बड़े चम्मच हम कटा हुआ स्प्रिंग प्याज लिए हैं। तो हम गैस को ऑन कर लिए हैं, कढ़ाई हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें हम तेल डाल लेंगे,
और थोड़ी सी राई डालेंगे और दो हरी मिर्च को काट के डाल दिए इसी में हम। और हरा प्याज डाल देंगे इसी में, स्प्रिंग वाला। जो स्प्रिंग वाला प्याज हमने लिए थे उसको डाल के भूनेंगे। प्याज हमारा भुन गया है तो इसमें हम मसाला डाल देंगे जो पीस लिए थे हमने। अब इसमें हम जो सीप साफ करके रखे थे वो सीप डाल देंगे। सीप हमारा भुन रहा है तो इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। सीप में हम पानी डाल दिए हैं पकने के लिए, थोड़ी सा आधा गिलास के करीब। सीप हमारा पक रहा है, 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। तो सीप हमारा बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। अच्छा है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। हाँ। टेस्टी है बाबू। हाँ। बहुत ही टेस्टी। अच्छा लग रहा है। वाओ। बिल्कुल टेस्ट है, कभी ऐसे लग रहा।